रामनवमी के मौके पर मंदिर में कन्या पूजन के दौरान कुएं की छत धंसने से 35 लोगों की मौत हो गई। हादसा इंदौर के स्नेहनगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर का है। मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रहा था। इसी दौरान ज़्यादा भीड़ भाड़ पड़ने से मंदिर परिसर स्थित कुएं की छत धंस गई। हादसे के बाद वहां खड़े 50 से अधिक लोग कुएं में जा गिरे। कई लोग अब भी लापता है। प्रशासन की ओर से अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं हादसे के बाद 18 लोगों को सकुशल निकाला गया है। मौके पर सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। वहीं अतिक्रमण को लेकर इंदौर कलेक्टर ने कहा है कि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि मंदिर में हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करेगा जहां इस तरह के हादसे होने की आशंका है। बता दें कि मंदिर के संकरी जगह में बने होने के कारण बचाव कार्य में बाधा आई है और इस दौरान मंदिर की एक दीवार तोड़कर पाइप इसके भीतर डाला गया और बावड़ी का पानी मोटर से खींचकर बाहर निकाला गया। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि इंदौर में हुई दुर्घटना में नागरिकों के हताहत होने के समाचार से वह अत्यंत दुखी हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहन करने की क्षमता देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।